स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेंगे एक थ्योरम है हमारे पास, और हमारे पास जो जो हम बुक पढ़ते हुए आ रहे हैं सिंध टेक्स्ट बुक, तो इसके अंदर ये हमारे पास थ्योरम नहीं है, ठीक है ना। मगर ये थ्योरम बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आगे जो हम पढ़ेंगे 15वें चैप्टर में वो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे बुक में नहीं है, तो ये ज़रूरी लेक्चर है, आपको ज़रूर इसको समझना पड़ेगा। उसके बेस पर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़ेंगे क्या होती हैं वो सारी हम थोरली पढ़ेंगे आगे चीज़ें, तो उस पर बहुत हेल्प आउट करेगी। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम होगी तो वहाँ आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है बेसिकली, ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई राइट ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास ये ए बी सी की राइट ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 30 डिग्री का एक एंगल बनना है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, और दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास जो 30 डिग्री का जिस वर्टेक्स पे एंगल बनना होता है, ठीक है ना, तो हमारे पास ये एंगल सी, हमारे पास एंगल जो 30 डिग्री का बनना है हमारे पास वर्टेक्स सी पर बनना है, ठीक है। तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो हमारे पास हाफ होती है हाइपोटेन्यूज साइड के, ठीक है। तो बेसिकली ये थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास जो है ना, मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो ए सी साइड होगी, ठीक है, मैं इधर कह लेता हूँ, मेरे पास जो ए हमारे पास जो ए सी साइड होगी वो हमारे पास होगी 2 टाइम ए बी के, ठीक है ना। या हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी साइड है वो हमारे पास क्या है, हाफ है किसके, 1 ओवर हमारे पास हाफ होगी इसकी हाफ साइड है, ठीक है ना। हमारे पास इसका हाफ कर लेंगे ए सी का, ठीक है। तो ये और ये दोनों एक ही बातें लिखी हुई है, ठीक है। तो अब इसको हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास जो एंगल बनना है एंगल 90 का, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं इस तरीके से ब्रेक करता हूँ कि मेरे पास ये जो अब नया एंगल बना है ये वाला, ये मेरे पास 60 डिग्री का बना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इसने डी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट किया, तो हमारे पास जो इन ट्राइंगल में लिख देता हूँ, इन इन ट्राइंगल कौन सी वाली, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी जो हमारे पास ट्राई एंगल है, इसके अंदर हमारे पास जब एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 60 डिग्री के बनने हैं दोनों, तो हमारे पास इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये वाला भी हमारे पास क्या बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास जब तीनों एंगल बराबर आ जाते हैं तो हमारे पास क्या होती है, इक्वेंगुलर ट्राइंगल होती है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लो, इक्वेंगुलर ट्राइंगल के लो, बात है कि इक्वेंगुलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसके अगर हमारे पास तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट और या तीनों उसकी साइड कॉन्ग्रेंट हो, ठीक है ना। तो हमारे पास देखिए तीनों साइड, तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके जो तीनों जो साइड है हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर, ए बी जी जो ट्राइंगल है इसकी जो तीनों साइड बननी है, ए बी बी जी और हमारे पास डी ए, ये हमारे पास तीनों कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास इक्वेंगुलर ट्राइंगल की जो हमारे पास तीनों साइडें होती है वो क्या होती है, कॉन्ग्रेंट होती है। और वो हमें कैसे पता चले कि इक्वेंगुलर ट्राइंगल है, क्योंकि हमारे पास ये दो, इसको हमने ब्रेक किस तरीके से किया, हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बना और ये भी हमारे पास 60 डिग्री का, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल होगा, सॉरी साइड, हमारे पास जो ए ए बी साइड है वो हमारे पास बराबर होगी किसके, ए डी के, ठीक है, ए जी साइड के। और इसी तरीके से हमारे पास जो ये बराबर होगी बी बी जी साइड के, ठीक है। ये हमारे पास तीनों साइड के क्या आ गई, कॉन्ग्रेंट आ गई, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको जब हमारे पास ये एंगल कितना बनना था, 90 डिग्री का बनना था, ठीक है। हमने इसको ब्रेक किस किस तरीके से कि हमारे पास 60 डिग्री का बने, अब जाहिर है हमारे पास ये 60 डिग्री का बनेगा, अब ये इधर बकाया एंगल कितना बचेगा, 30 डिग्री का बचेगा, ऐसा ही है बिल्कुल। तो अब हमने ये भी थ्योरम पढ़ा है कि हमारे पास जब दो ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड होती है वो भी कॉन्ग्रेंट होती है। तो हमारे पास जो इन ट्राइंगल, मैं कह लेता हूँ पहले, इन ट्राइंगल हमारे पास कौन सी वाली है, डी बी सी, ठीक है, या डी डी बी सी कह लेते हैं, ठीक है ना। ट्राइंगल डी बी और हमारे पास जो सी ट्राइंगल है उसके अंदर हमारे पास जो सी जी साइड होगी, ठीक है ना, सी जी साइड हमारे पास बराबर होगी किसके, बी जी के, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ, बी जी के बराबर होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब ये देखिए थोड़ा सा मैं इसको सही करके लिखता हूँ, यहाँ पर बी जी के हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ग्रेंट आ गई, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, हमें प्रूफ क्या करना है बेसिकली, अच्छा सबसे पहले ये देखिए हमारे पास ए सी साइड किसके बराबर होगी, मैं इधर लिखता हूँ, ए सी हमारे पास जाहिर है ये हमारे पास एक ही लाइन है, ठीक है, और हमारे पास ये एंगल 60 की, हमारे पास वन, ये पूरा एंगल कितना बनाएगी, 180 का बनाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक, हमारे पास ये जो दोनों लाइन है ए जी और जी सी, हमारे पास कुलिनियर है तो हमारे पास एक ही लाइन है। अब जाहिर है हमारे पास
ए सी का जो समय, ए सी हमारे पे किसके बराबर होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ए जी प्लस डी सी, यानी हमारे पे ये जो दोनों लाइनें इनका सम करेंगे इसके बराबर आ जाएगी। तो मैं लिख दूंगा ए जी प्लस हमारे पास क्या है सी जी, ठीक है, इसी के बराबर आएगी ना। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर लिखता हूँ ए सी, ठीक है, बराबर है हमारे पास ए जी। अब देखिए मैं ए जी नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, मेरे मुझे प्रूफ क्या करना है, ये वाली जो ए बी साइड है ये प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमारे पास जो ए जी साइड है वो किसके बराबर है, तो देखिए इसके बाद मेरे पास ये रहा ए जी, ये ए जी हमारे पास किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, ठीक है। ए बी के क्यों बराबर है, क्योंकि हमारे पास इसके बाद जब ये जब तीनों साइड जब ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट आई थी, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास ये ए जी जो साइड है, ठीक है ना, ये वाली ए जी, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रेंट होगी इस वाली साइड के, ठीक है। तो मैं ए जी को रिप्लेस क्या कर लूंगा, ए बी से रिप्लेस कर लूंगा, ठीक है। और हमारे पास प्लस सी जी साइड को नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। अब इस साइड की जगह मैं पता है क्या लिखूंगा, अब हमारे पास जो सी जी साइड है, ये वाली साइड किसके कॉन्ग्रेंट आई थी, वो हमारे पास देखिए सी जी किसके कॉन्ग्रेंट आई थी, बी जी के, ठीक है। और बी जी किसके कॉन्ग्रेंट था हमारे पास, किसके, बी जी के, ए बी के, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास ये कैसा आया था, तो इसके बाद देखिए हमारे पास ये और ये तीन और ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट आई थी, ठीक है ना, और ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रेंट आई थी, ठीक है। तो अब ये वाली जो हमारे पास जो सी जी साइड है, ये वाली ये सी जी साइड है, ये किसके कॉन्ग्रेंट होगी, इसके कॉन्ग्रेंट थी, ठीक है ना, जब हमारे पास दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट आए थे। और हमारे पास ये तीनों साइड है ऊपर वाली ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रेंट आए थे, तो ये वाली साइड इस वाली साइड की भी क्या होगी, कॉन्ग्रेंट होगी, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास ए बी में ए सी जी को रिप्लेस करके क्या लिख लूंगा, ए जी ए बी लिख लूंगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर ए सी बराबर है, ये हमारे पास ए बी प्लस ए बी, तो हमारे पास टू टाइम क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो इसके बाद जो देखिए हमें जो गिवन रिजल्ट प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर लिया, आपको बात समझ में आ गई होगी। या इसका एक और तरीका ये है कि जैसे हमने कहा था ना कि हमारे पास ए सी बराबर होता है टू टाइम ए बी के, और हमारे पास ये रिजल्ट था, ठीक है, तो टू टू मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर अगर इधर आपको शो करा दूँ कि हमारे पास हो जाएगा ए सी, ठीक है, हमारे पास इसको मैं वन ओवर अंडर रूट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ आएगी, ठीक है, और हमारे पास ये ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई राइट ट्राइंगल हो, तो उसके अंदर जो 30 डिग्री का जो एंगल बना रहा होते, जो वर्टिक्स बना रहा होता है, तो उसकी जो अपोजिट साइड होती है, जो हमारे पास ए बी साइड थी, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड के हाफ के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको हमने प्रूफ भी किया। अब हम बात कर लेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर पर।